हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में दोबारा सरकार बनने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पहली बार गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में करीब 12 समस्याओं को रखा गया, जिसमें सीएम ने सभी समस्याओं को सुनने के बाद 8 समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया। वहीं समस्याओं को सुनने के साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को भी नसीहत दी कि प्रदेश में अब कोई भी भ्रष्टाचार अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम शहर की कुल 12 समस्याओं को सीएम ने एक एक करके सुना और सभी समस्याओं से संबंधित इस बैठक में भी मौजूद हैं। पटेल नगर के ऊपर से जा रही हाईटेंशन वायर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को तुरंत आदेश जारी किए हैं और कि जल्द ही इस हाईटेंशन वायर को हटाया जाए। उधर राहुल गांधी के दिल्ली के रेप कैपिटल कहने के बयान पर सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि रेप इन दिल्ली नहीं बल्कि रेप इन कांग्रेस है। हमारे बीच में अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गोपी चंद गहलोत जी भी पहुंचे हैं, उनका भी इजाजत हो तो मीटिंग के कारण। गुरुग्राम जिले की जिला कष्ट निवारण समिति, उसकी मीटिंग हुई। कुल 12 शिकायतें जो आज के एजेंडे में थी, 8 उनमें से डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। 4 के लिए अगले महीने में फिर उसकी कुछ रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर उसका फैसला अगले महीने करा देंगे। 5,000 जो डीजल ऑटो चल रहे हैं, पहले शिकायत आई थी वही अगली बार रखी गई थी, तो उनमें कुछ शिकायतें थी किराए की, उनकी दरों की, मीटर की, नंबर प्लेट की, रजिस्ट्रेशन की, ऐसी कुछ शिकायतें थी। वो तो सब डिपार्टमेंट ने उसके लिए ठीक करने का एक प्रावधान किया ही है। कुछ रेट्स फिक्स हो गए पर किलोमीटर, उसको जल्दी अखबारों में प्रकाशित कर दिया जाएगा कि उसके रेट्स और उसकी बाकी सारी शर्तें। लेकिन साथ ही अब नवंबर में हमने एक फैसला और किया है, वो है कि सभी डीजल ऑटो जो है उनका रिप्लेसमेंट ई रिक्शा से किया जाए। ये जा रही है तो उसमें 3 वायर जा रही हैं, 1 वायर के हटाने की योजना बन गई है। लेकिन कॉलोनी वासियों की शिकायत ये थी कि जो दूसरी सबसे नीचे वाली वायर है उसको हटाया जाए, उसके लिए 1 महीने का समय दिया है, डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट बना के देंगे। तो इसलिए वो चिन्हित जगह पर कुछ रैंडम जो चीज़ें हैं उनको निकाल करके 30 जगह कराई जाएगी। सबकी नहीं कराएंगे, जहाँ जहाँ के रिकॉर्ड ठीक नहीं थे, जहाँ जहाँ की धान की वेरिफिकेशन में कमी पाई गई थी, वहाँ 10 दिन की व्यवस्था की गई है किसानों के लिए। स्पेशल गिरदावरी के लिए कह दिया गया है और एक आध दिन बाद इन 4 जिलों में जहाँ जहाँ ओलावृष्टि पूरे प्रदेश में नहीं हुई है, ये हुई है मेवात में, नू में हुई है, या तावड़ू में, जिचर में हुई है, आगे दादरी में हुई है, भिवाणी के कुछ एरिया में हुई है, पलवल साइड में हुई है, ऐसे कुछ जिलों में बेल्ट में ये ओलावृष्टि हुई है और उसकी गिरदावरी जो है उसके ऑर्डर कर दिए। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की खेती और शुरू की जाए, लोगों के किसानों की आमदनी उसमें बढ़े, तो एक इंटरनेशनल लेवल की मंडी ये शुरू करने का विचार योजना बन गई है। सेक्टर 52 में उसके लिए 8 एकड़ जमीन भी रिजर्व कर दी गई है, एक बढ़िया फ्लावर मंडी ये बनाई जाएगी। रेप इन इंडिया वाले बयान में क्या कहते हैं?